नमस्कार दोस्तों, मैं आसमान शाह, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहे जितना ढिंढोरा पीटे, क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े से कड़े नियम बनाए गए, लेकिन इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। जी हाँ, आपको याद होगा पिछले साल उन्नाव में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, बलरामपुर में बलात्कार हुआ। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक युवती के साथ चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। क्या है पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में अपराध का गढ़ कहे जाने वाले सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में एक युवती शौच के लिए घर के बाहर निकली तो पड़ोस के ही एक युवक दो अन्य युवकों के साथ पहुंचकर युवती को धमकाकर मोटरसाइकिल से दूर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ चार युवकों ने गैंग रेप किया। किसी तरह युवती उन लोगों के चुंगुल से छूटकर घर पहुंची तो आप बीती परिजनों को बताई। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पास के चौकी को दी, पर दो दिन तक चक्कर लगाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। थक हार कर राज्य सरकार के समाज कल्याण मंत्री संजीव गौड़ को इसकी जानकारी दी। मंत्री के निर्देश पर स्थानीय थाने में तहरीर लेकर चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं सोनभद्र एसपी ने बताया कि चौपन थाना क्षेत्र में एक युवती जो घर से शौच के लिए निकली थी, चार युवकों ने जबरिया मोटरसाइकिल से एक सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती का मेडिकल प्रशिक्षण कर आगे की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले के दोषी युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट। का प्रकरण है, इसमें चाचा भतीजे में किसी बात को लेकर के विवाद था और उसी में रात में इनके बीच झगड़ा हुआ है। उसमें फावड़े से प्रहार करने की वजह से भतीजे की मृत्यु हो गई है। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, इसमें अभियोग पंजीकृत करके और कार्रवाई की जा रही है। अभी ये सब विवेचना का पहलू है। ये बात घटनास्थल पे कुछ लोगों ने बताई है कि एक जो आरोपी है उसकी गाय की मृत्यु हो गई थी और उसको इस बात का शक था कि भतीजे ने कोई उसमें उसको कुछ दे दिया है या कुछ जादू टोना किया है, तो इस तरह की बात संज्ञान में आई अवश्य है। लेकिन इनके बीच पहले से भी विवाद था और दोनों का घर आसपास ही है और इसको लेकर के रंजिश रहती थी।